संयुक्त किसान मोर्चा के ट्विटर हैंडल किसान एकता मोर्चा पर रोक लगा दी गई है। किसान नेता रवि आजाद ने मोदी सरकार पर किसानों के ट्विटर हैंडल पर रोक लगाने का आरोप लगाया है। वहीं रवि आजाद ने कहा कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि अब भारत संविधान से नहीं चलता, बल्कि अब भारत में आरएसएस का संविधान चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो किसान एकता मोर्चा के ट्विटर हैंडल पर रोक लगाई है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसान एकता मोर्चा के ट्विटर हैंडल को तुरंत बहाल किया जाए, अन्यथा संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा सरकार का कड़ा विरोध किया जाएगा। साथियों, संयुक्त किसान मोर्चा का ट्विटर हैंडल किसान एकता मोर्चा पर सरकार ने रोक लगा दी है। किसान एकता मोर्चा के ट्विटर हैंडल को विदहेल्ड कर दिया गया है, उस पर रोक लगा दी गई है। और साथियों, किसान एकता मोर्चा का ट्विटर हैंडल जो भारत के किसानों की बुलंद आवाज है ट्विटर के प्लेटफार्म पर, और किसान आंदोलन को दुनिया के कोने कोने में किसान एकता मोर्चा के ट्विटर हैंडल ने पहुंचाने का काम किया है। सरकार की पोल खोली जाती है, सरकार की किसान विरोधी नीतियों को उजागर किया जाता है तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ, लेकिन लगता है कि अब भारत में लोकतंत्र नहीं है, अब भारत संविधान से नहीं चलता, अब भारत में आरएसएस का संविधान चल रहा है। साथियों, केंद्र की सरकार ने जो किसान एकता मोर्चा के ट्विटर हैंडल पर रोक लगवाई है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि वो तुरंत प्रभाव से इस ट्विटर हैंडल को बहाल करवाए, अन्यथा सरकार के खिलाफ कड़े निर्णय लेने में देश का किसान और देश का नौजवान, देश का हर वर्ग पीछे नहीं हटेगा। सरकार ओछी हरकतों से बाज आए, सरकार तानाशाही स्थापित ना करे इस देश में। किसान एकता मोर्चा का जो प्लेटफार्म है वो देश की उम्मीदों का प्लेटफार्म है, वो सत्य का प्लेटफार्म है। हम देश के प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को कहना चाहते हैं कि आपकी इस तानाशाही से ये आवाज रुकेगी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24।